तो आज का जो वीडियो है वो स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग जो मेरा वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिएगा। तो आज का वीडियो में बोलते हैं कि कुछ भी चीज़ को जो है याद करना समय का बर्बादी है, मतलब रट्टा मारना क्या का होता है, समय का बर्बादी है। हम लोग का दिमाग करोड़ों न्यूरॉन से बना हुआ है, हम लोग का दिमाग बहुत जो है मजबूत है, तो इसीलिए देखो हम लोग कोई भी चीज़ को रट्टा मारते हैं वो प्रोसेस बहुत ही क्या खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि रट्टा मारने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तुम एक टॉपिक को याद करने में बार बार पढ़ते जाओ, 3 घंटा 2 घंटा पढ़ा, फिर भी वो टॉपिक जो है सही से लर्न नहीं होता, एक बहुत बड़ा टॉपिक। अब देखो याद करना क्यों ठीक नहीं है बोलते हैं, क्योंकि कर्ण जो थे उन वो भी कितना कुछ याद किए थे, लेकिन वो भी बहुत कुछ भूल गया, अंतिम समय में उनको भी कुछ याद नहीं आया। तो वो हम लोग का लाइफ में भी होता है, हम लोग सब समय पढ़ के जाते हैं लेकिन एग्जाम में ही क्या जाता है, भूल जाता है। तो इसीलिए रट्टा मारना एकदम सही तरीका नहीं है। हम लोग को क्या करना चाहिए, जितना हो सकता है समझ के जो है लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसके लिए क्या प्रैक्टिस का जरूरी है। तो कैसे समझेंगे, देखो कोई भी चीज़ को जो है एक बार जो है पढ़ लो, और उसका पढ़ के जो है एक बार उसको लिखने का कोशिश करो। जैसे मान लो कि कोई एक ये कोई मान लो तुमने कहानी पढ़ा या कुछ भी पढ़ा, तो उसको एक बार जब समझ लेता है तो समझ लेने के बाद उसमें लिखना कोई बड़ा बात नहीं है। और ये कैसे मजबूत होगा, तो हम लोग जितना ज़्यादा उस पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। यदि मान लो कि रोज एक पेज जो हम लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं, ये दो बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ के क्या करेंगे उसको समझ लिया कि इसके बाद ये होगा ये होगा ये होगा, उसके बाद हम लोग लिखने का जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो कंटिन्यू इसको यदि हम लोग जो है एक महीना प्रैक्टिस करेंगे, तो हमको ये नहीं लगता है कि जो है कोई भी लड़का का इतना ज़्यादा दिमागी तौर से डेवलप हो जाएगा कि बहुत चीज़ वो एक बार पढ़ेगा और उसको क्या हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा। इसीलिए यदि आपको मेरा वीडियो जो अच्छा लगा तो आप मेरा वीडियो क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।